सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मल्लिका शर्मा। बेहद प्रसन्नता खुशी होती है जानकर कि आप हमारे कार्यक्रम इतना पसंद कर रहे हैं। नए नए विषयों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के जरिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आप जान पाते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वैदिक ज्योतिष और जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वैदिक ज्योतिष के ज्ञाता गीतांशु जी। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करते हैं गीतांशु जी के साथ। गीतांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। गीतांशु जी आज आप हमें बताएं कि ये जो स्वास्थ्य में कई बार बहुत दिक्कतें आती हैं लोगों को, परेशानियों से व्यक्ति जूझ रहा है, लंबी लंबी से समय से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ हैं उससे किस प्रकार निजात पाया जाए, आप हमें बताएं। देखिए, बीमारी के लिए हर ग्रह अपने साथ कुछ बीमारियां लेके आता है और स्वास्थ्य लेके आता है। जैसे मान लीजिए हृदय का रोग है, अब हृदय का रोग एक दिन में तो डेवलप होगा नहीं, इसको समय लग जाएगा काफ़ी ये। मगर जब हृदय का रोग डेवलप होता है और हार्ट की बीटिंग रुक जाती है या उसमें कोई दिक्कत आती है तो सूर्य रिस्पॉन्सिबल होता है। सूर्य जब किसी ऐसे ग्रह से ग्रस्त रहता है या ऐसे मैलिफिक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होते हैं कि वो अपना काम रुक रुक के करना शुरू कर देता है या अपनी बीट को स्किप कर जाता है या उसके मसल वीक हो जाते हैं। बट समझने की बात ये है कि ये एक समय की प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने में नहीं आती है। जो इसकी नली में दिक्कत आती है, जो ब्लॉकेज आती है, उस ब्लॉकेज के लिए अलग ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहें, हार्ट अच्छा रखना चाहें, तो सबसे पहली चीज़ हमको करनी पड़ेगी कि हमको लंबे सांस रेगुलरली लेने पड़ेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिनको हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है या आगे चल के आएगी, उनके सांस छोटे हो जाते हैं। आप कभी भी ऑब्जर्व करें, जब आप रिलैक्स होकर बैठे हैं तो क्या आपका सांस उतना लंबा है जितना आपको लेना चाहिए? बिल्कुल, ज़्यादातर हो जाता है ये कि आपके सांस छोटे होने शुरू हो जाते हैं। समझ लीजिए कि जब भी आपके सांस छोटे हैं, आपका हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाएगा और हृदय के रोग आगे चल के आपको हो सकते हैं। ऐसे ही दूसरे तरीके के रोग हैं जो हड्डियों से रिलेटेड है। अब किसी ज़माने में हम सुनते थे कि हमारी नानी दादी के गोडे में दर्द है, जी बिल्कुल। आज हम एक 15-16 साल के बच्चे के मुंह से सुन सकते हैं कि उसके पैर में दर्द हो रही है। हम जब छोटे थे पेड़ पे भाग के चढ़ जाते थे, गिर जाते थे, फिर उठ के खड़े हो जाते थे, कपड़े झाड़ते थे और खेलना शुरू कर देते थे। पर आजकल के बच्चे इस तरीके के हो गए कि अगर ज़रा सी चोट लगे तो दर्द बहुत ज़्यादा होती है और छोटी उम्र में उनको हड्डियों की तकलीफ काफ़ी हो जाती है। जी, सहन शक्ति भी कहीं हद तक कम हो चुकी है बच्चों में, बहुत बहुत कम हो चुकी है। इसकी एक वजह है भोजन, जो आजकल के फास्ट फूड हैं जिनमें ताकत का कोई स्वरूप नहीं है, बीमारी ज़्यादा है। और दूसरा, परिश्रम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हड्डियाँ शनि ग्रह डिनोट करता है या उनको गवर्न करता है या उनके ऊपर राज करता है। तो छोटी उम्र में क्या होने लगा है आजकल की हड्डियाँ भुरने की दिक्कत ज़्यादा आ गई। छोटी उम्र में हम ये देख रहे हैं कि दांतों की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई, छोटे छोटे बच्चों के दांत में आज कीड़े लगे हैं, जबकि हमारे पुराने ज़माने में हमारी नानी दादियों के दांत 70-70 साल की उम्र तक उनके उसी हिसाब से चलते थे और क्या कमाल का शरीर था उनका। तो ये एक दिक्कत रहती है जो ग्रह करता है। परिश्रम कम करने से, मेहनत अपने हिस्से की कम करने से शनि कमज़ोर हो जाता है। गरीबों को खाना बांटने से रेगुलरली, दान पुण्य करते रहने से, जिन आदमियों को ज़रूरत है दान की, यानी कि हम गए बाज़ार में और सबको बांटना शुरू कर दिया, जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है उनके लिए मदद करना, ये रुपए पैसे से नहीं, कपड़े से नहीं, सिर्फ अन्न से मदद करना शनि को बल देता है। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने हमें दान से जुड़ी कोई एक विशेष बात जो हम भी देखते हैं आजकल, जैसे अगर दान पुण्य की जो प्रोसीजर अब ये हो गया, जैसे अगर व्यक्ति ने किसी को दान दिया है तो व्याख्यान बहुत होता है कि हम ये करवा रहे हैं, हमने ये AC लगवा दिया है, हमने पंखे लगवा दिए, कई लोग तो लिखवाते हैं बाकायदा, क्या ये चीज़ें उचित हैं? देखिए, हमारा शास्त्र दान को बहुत गुप्त तरीके से मानता है। बिल्कुल, वो 2 श्लोकों में इस बात को ख़त्म कर देता है कि दिया सो दान और किया सो काम, बाकी सब बेकार। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो श्रम करा है, परिश्रम करा है, वही कर्म लगेगा जो मैंने अपने हाथों से करा है,
और दान वही लगेगा जिसको मैंने गुप्त दिया है। मैंने उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, किसी को बताया नहीं, मैंने अपनी आय में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो मैं निकाल सकता हूँ वो मैंने निकाला, वो मैंने दिया, और इस तरीके से दिया कि एक हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, इस हिसाब से दान की पद्धति है। देने से दान की वैल्यू या बताने से या उसका ढिंढोरा पीटने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है जी। तो गीतांशु जी, जो लोग रोगी हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं लंबे समय से, वो क्या करें? देखिए, लंबे समय से अगर आप किसी भी तरीके से जूझ रहे हैं प्रॉब्लम से, तो वो दो ग्रहों की वजह से है। पहली वो है बुध की वजह से, जिसका बुध का मालिक नस जाल है। हमारे को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नसों की बड़ी तकलीफ रहती है। नसों की तकलीफ का मतलब है कि अगर मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है और मैं झुक नहीं पा रहा हूँ, तो डॉक्टर लोग हड्डी का इलाज करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो हड्डी ठीक रहती है, क्योंकि अगर हड्डी ख़राब होती तो हड्डी भुर जाती या टूट जाती। उसमें जो छोटी छोटी कोशिकाएँ, जो नसें हैं, उनमें खून जाना बंद हो जाता है और वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। आप जान के हैरान होंगे कि हमारे शरीर में कई ऐसी हजारों लाखों नसें हैं जो हमारे बालों से भी पतली हैं। अब आप सोचिए, एक नस आपकी बाल से भी पतली है और वो आपकी बैकबोन में लगी हुई है, और ऐसी कई हजारों नसें हैं और वो सारी की सारी ब्लॉक पड़ी हैं। इलाज हड्डियों का शुरू हो जाता है, जबकि इलाज असली में नसों का होना चाहिए। नसों का मालिक बुध ग्रह है, और बुध की भी एक खासियत है कि ये धीरे 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 कमज़ोर होता रहता है। तो नसों की जब भी तकलीफ आएगी तो बुध ग्रह की वजह से आएगी। बुध ग्रह के लिए आप छोटे छोटे से सिंपल उपाय कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा आपको ये देगा कि सुबह उठ के ताज़ी हवा में ब्रह्म मुहूर्त के बाद हरी जगह पे, हरी घास पे, हरे पेड़ पौधों के बीच में खूब चक्कर लगाएं। आपको दर्द है तो भी धीरे धीरे लगाएं, बहुत ज़्यादा दर्द है तो सिर्फ वहाँ जाके बैठ जाएं और लंबे सांस लें। बुध का एकमात्र इलाज है, क्योंकि वो नस जाल को गवर्न करता है और वो हवा का मालिक है। जब हमारे फेफड़ों में हवा बहुत भरपूर जाएगी, वो हमारी बंद कोशिकाओं को खोल देगी। इसके लिए उपाय बहुत अलग अलग से लोग बताते हैं। कोई कहता है जी पन्ना डाल लो, कोई कहता है जी दाल बांट दो, कोई कहता है साबुत मूंग बांट लो, मगर इस तरीके के उपाय बहुत टेम्प्ररी और आपको सालों साल, कम से कम 20-20 साल करने पड़ेंगे। मगर बुध जो असल ग्रह मालिक जिस चीज़ का है, अगर डे वन से उसके ऊपर आपने उपाय करने शुरू कर दिए, जो कि हवा का मालिक है, और हवा का संचालन आपने अगर शरीर में अपने कर लिया, और वात पित्त कफ जो आपने सुनी है उसमें वो वात को गवर्न करता है। वात वो चीज़ है जो हमारे फेफड़ों में जाती है हवा और हमारी एनर्जी को बनाती है। तो वात का मालिक बुध है और बुध का मालिक हवा है। हवा को कंट्रोल कर लीजिए, ताज़ी हवा में रहिए, क्रॉनिक जितनी भी लंबी डिजीज़ हैं वो कुछ समय में थोड़ी हल्की हो जाएंगी। मैं ये तो नहीं प्रॉमिस करता कि एकदम से ठीक हो जाएंगी, मगर आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर, जैसा कि आपने हमें बताया कि यदि आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो आप बुध ग्रह को ठीक करें, वास्तविकता जीवन की है। आपने शनि ग्रह के विषय में बताया, हम चाहेंगे थोड़ा शनि ग्रह के विषय में भी आप ज़रूर बताएंगे जी। जी जी, देखिए शनि के बारे में क्या दिक्कत है, लोग डर बहुत जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ढैया, सारस्वती, ये सब बातें शनि के बारे में सुनी हुई है। शनि के बारे में अगर एक सिंपल रूप से बात करें तो शनि एक न्यायपूर्ण प्लैनेट है। मैंने जैसे कर्म मैंने करे हैं उसमें वो प्लस माइनस करके मुझे रिजल्ट दे देता है। जैसे मान लीजिए मैं छोटी उम्र में हूँ, काम का मेरे पे बोझ बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास समय जो निकलता है अपनी सेहत का ख्याल करने का, वो मैं चाहे घूमने फिरने में या सोने में बेकार कर देता हूँ। और मेरा शनि कुछ हद तक मेरे पत्रिका में या हॉरोस्कोप में कमज़ोर है, तो शनि एक दिन में रिजल्ट देने वाला प्लैनेट नहीं है। ये ओवर द पीरियड धीरे 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 हमारे कर्मों को एक्यूमुलेट करता रहता है। तो कैसे किया कि जो मैंने अपनी व्यस्तता छोड़ के मैंने अपने शरीर का ध्यान रखना है वो मैंने ध्यान नहीं दिया, और मान लीजिए शनि मेरे छठे घर या पेट के घर में या पेट के रोगों में पड़ा है। अब होगा क्या कि कुछ समय बाद धीरे 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 मेरे पेट की अंतड़ियाँ सूजने लगेंगी। ये अंतड़ियाँ सूजने के बाद मेरे लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मेरे ब्लैडर में शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम, मेरे किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और आप कम से कम 5 डॉक्टरों के पास भागेंगे, क्योंकि आपकी किडनी की अलग प्रॉब्लम है, वो हो सकता है शुगर की वजह से हो, आपकी यूरिन डिसऑर्डर हो सकता है शुगर की वजह से हो, आप शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, मगर दिक्कत उसमें शनि ग्रह की है। ये खासियत सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता सकती है कि आपका बचपन से ले कर आज तक कौन सा ऐसा ग्रह है जो थोड़ा कमज़ोर रहा है और उसको आपने कितना मजबूत कर दिया। जैसे मान लीजिए बचपन में आपका शनि काफ़ी कमज़ोर है और आप शनि के स्वरूप में काम करते हैं, जैसे शनि न्याय प्रिय है और झूठ नहीं बोलता, एक खासियत शनि की बहुत
अच्छी है कि आप देखेंगे कि जिन लोगों का शनि बहुत बलवान है वो आपके मुंह पे सच बोल जाते हैं, आपको अच्छा लगे, कड़वा लगे, जैसा लगे, और वो हर बार अपनी नेचर इसे कहते हैं भाई हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हम इसी तरीके के हैं, हम सच हो झूठ हो या आपके मुंह पे बोलते हैं। जो इस बात की फ्रैंकनेस है ये ग्रह शनि या सैटर्न देता है। जी गीतांशु जी, एक विशेष प्रश्न आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्या ये रवैया उचित है या नहीं, इससे जुड़ी जानकारी आपसे अवश्य लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार एक फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी आ रही है, आप तुरंत उस आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए वैदिक ज्योतिष के ज्ञाता गीतांशु जी, एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे गीतांशु जी का। गीतांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार गीतांशु जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे जानना चाहा था, कई बार हम व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए भी झूठ बोल देते हैं, या के प्रोसीजर जो है, ये जो प्रक्रिया है, ये उचित है या नहीं, ये आप हमें बताएं। देखिए, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि कभी भी झूठ मुंह से निकले ही नहीं, मगर ये है कि आजकल हम इस एनवायरनमेंट और बिजनेस की इस परिस्थिति में रहते हैं कि ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जिससे किसी का हार्म ना हो वो बात तो चलती है। बीमार आदमी को ये ना बताया कि कितनी बड़ी बीमारी है और ये कहा कि तू ठीक होने वाला है जल्दी, ये तो चल जाएगा। बट मेरी इतनी समझ कहती है कि झूठ जितना कम बोलें उतना बढ़िया है। शनि को क्यों हमने कमज़ोर करना है? ये एक ऐसा कमाल का ग्रह है, अगर ये बल मिल जाए इस ग्रह को तो ये किंग मेकर ग्रह है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा ग्रह है कि जो राजा नहीं बनाता, मगर ऐसा आदमी बनाता है एम्परर जैसा, जो कई राजा पैदा कर सकता है या जिसके सिर पे हाथ रख दे वो राजा बन जाए। जी, रोगों से लड़ने के लिए किस ग्रह को स्ट्रांग किया जाए, ये भी बताएं आप हमें। देखिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ग्रह है, मगर एक जनरल हेल्थ के लिए, जनरल स्वास्थ्य के लिए सूर्य ग्रह को हमको हमेशा बल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य तीन चीज़ों का बड़ा प्रबल कारक है। पहला कारक है वो मेरी आत्मा का, जब तक इस शरीर में आत्मा है, ये सेल चल रहा है, तब तक मैं चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो हड्डियों का कारक है, और तीसरी चीज़ है वो विजडम का कारक, मस्तिष्क का, ज्ञान का कारक है। और सूर्य सिर्फ एक बहुत बढ़िया चीज़ से स्ट्रेंथन होता है, वो है अपने माँ बाप की इज्जत करने से। सुबह उठ के, ये पद्धति बहुत पहले लगती थी, आजकल के यंगस्टर कहते हैं कि सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने से क्या होगा। माता पिता का आशीर्वाद सूर्य और चंद्र को बल दे सकता है। नग खाना, किसी तरह के होम हवन, ये सब बहुत छोटे हैं उन चीज़ों से। सबसे पहले सुबह उठ के अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करिए। आपको लगेगा ये बड़ी 21वीं सदी में बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम, जो हमारे बाप दादा भी करते थे, मगर सच आपको एक बात बताऊं, इससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, थोड़ा सैर करके आइए, और वापस आके थोड़ा सा योगा करने के बाद सूर्य को जल दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छी और बहुत लंबी उम्र तक अच्छा रहेगा। आप देखेंगे आपके स्कूल में सब बीमार पड़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे या सबसे लेट पढ़ेंगे। बहुत सुंदर। कई बार अब हम देखते हैं, बड़े तो छोड़िए, छोटे बच्चे भी जब सुबह सुबह उठते हैं गीतांशु जी, तो कहते हैं हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसके लिए किस ग्रह को हम अपना बना सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में भी ना एक चुंबक लगा है। चुंबक किस तरीके का है कि हमारा नॉर्थ साउथ जब एक साथ रह जाता है, तो जैसे चुंबक के दोनों शोर आप एक ही साथ चिपका के रखेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर जब आप नॉर्थ को साउथ के साथ जोड़ेंगे तो वो आपस में चिपक जाते हैं।
होता क्या है, ज़्यादातर सोने की पद्धति हमारी गलत रहती है। हमारा सिर किस डायरेक्शन में रहना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे आजकल बहुत लेट तक टीवी देखते हैं, फ़ोन पे होते हैं, वो समय एक सोने का समय हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है। वो इंटरनल क्लॉक जब हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो सुबह उठ के हमारा शरीर टूटता है, हमारी बुद्धि थोड़ी क्षीण हो जाती है। बच्चे अपना सबक याद करें बहुत ज़्यादा देर तक, मगर उसको बाद में एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं याद कर पाते, एकदम से भूल जाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपका जो सिर है वो साउथ साइड की तरफ हो जब आप सोते वक्त रहें। ज़्यादातर लोग उसको नॉर्थ की तरफ ही कर देते हैं, वो थोड़ा सा एक डिस्टर्ब नींद का कारक रहता है। तो क्योंकि नेचुरल जो है हमारा नॉर्थ साउथ, हमारा मैग्नेटिक एक्सेस हमारी अर्थ का है, तो कोशिश करिए कि सिंपल सा कंपस लीजिए, उसमें देखिए कि साउथ साइड किस तरफ है, उस तरफ अपना सिर करिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जिन लोगों को नींद की दवाई लेनी पड़ती है कुछ समय में, उनको नींद की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, रात को वो बगैर टेंशन के सोएंगे और सुबह उनका समय पर नींद खुलेगी। जी, दिशानुरूप चलना वाकई बहुत ज़रूरी है। एक विशेष बात और जानना चाहूँगी, चूंकि आज का जो विषय है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कई बार हमने देखता है कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चा रोगी होता है, हार्ट में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, विशेषतः इसका क्या कारण होता है गीतांशु जी, आप हमें बताएं। देखिए, बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि वैदिक ज्योतिष में हमारी एक चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन है कि 5 साल तक छोटे बच्चे का हॉरोस्कोप नहीं चलता, उसके माँ बाप का चलता है। तो 90% हमारे पास ये केसेस आए हैं जिसमें छोटे बच्चे या तो प्रीमेच्योर हुए या नॉर्मल हुए, मगर फिर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। अगर बच्चा 5 साल की उम्र तक, 5 साल से पहले उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए माँ बाप के ग्रह देखने पड़ते हैं। ऐसे बच्चे उनके माँ बाप के ग्रह बच्चों पर भारी होते हैं और उनका उपाय शीघ्र और बहुत जल्दी करना चाहिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा चले और लंबा चले। 5 साल से 7 साल के बाद बच्चों के अपने ग्रह शुरू होते हैं। उन बच्चों के लिए किया क्या जाए ये भी बताएं आप। देखिए, ज़्यादातर माँ बाप कुछ इस तरीके के होते हैं कि कुछ मन्नतें इतनी ज़्यादा मांग लेते हैं बच्चों के लिए, कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते, उनका इफ़ेक्ट बच्चों पे आना शुरू हो जाता है। कुछ माताएं हमारी बहुत भोली होती हैं, किसी नादानी में आके एक जगह भी मन्नत मांग ली, दूसरी भी जगह, तीसरी भी जगह, और हर जगह विश्वास कराए कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं आपको ये करूँगी, और किसी कारणवश वो बातें भूल जाती हैं, पूरा नहीं कर पाती। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, जिस वजह से या तो आप मांगे एक दरवाजे से या आप प्रभु पर छोड़ दें। और अगर आपने जो चीज़ मांगी है उसके बदले में जो चीज़ प्रॉमिस करी है, तो कृपा करके उसको कहीं नोट कर लीजिए और उसके बाद जब उचित समय आए तो वो अपनी इच्छा जो आपने कही थी कि मैं ये करूँगी या करूँगा, उसको कृपा करके पूरा करिए। गीतांशु जी, उन चीज़ों को छोड़ना ही बहुत मुश्किल है, वास्तविकता जीवन की है। जब व्यक्ति तमाम चीज़ों को जान जाएगा, स्वस्थ सुखी संसार स्वयं प्राप्त कर पाएगा। एक विशेष बात और जानना चाहूँगी, बुजुर्गों के लिए बेहतर तौर पर ये बात ये है कि कई बार बुजुर्गों को बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं चलने फिरने में, कहीं तो ऐसे बेड पर रहते हैं बेचारों को उठना मुश्किल हो जाता है, वो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? देखिए, बुजुर्गों का ख्याल हमको रखना पड़ेगा और बुजुर्गों का स्वास्थ्य उनके खाने से चलता है। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो इस हिसाब से बनी है कि वो सूर्य उदय जैसे होता है हमारी पाचन शक्ति शुरू हो जाती है, और जब सूर्य हमारे सिर पे होता है करीबन 11-12 बजे, उस समय सबसे तीव्र होती है, और उसके बाद संध्या के समय हमारी जो पाचन शक्ति है वो हमारी निम्न होते होते बाय द टाइम सूर्य अस्त हो जाता है तो ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब जिस स्वस्थ इंसान ने रात को 10-10:30 बजे खाना खाया है, 9 बजे खाना खाया है, उसकी पाचन शक्ति सिर्फ 70% काम करती है। तो अब आप सोचिए कि आपके अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनका सबसे पहले कुछ ऐसा टाइमिंग करिए कि उनको सुबह भोजन दीजिए, दोपहर में भोजन दीजिए और संध्या से पहले भोजन दीजिए। और कोशिश ये करिए कि अगर उनको शुगर नहीं है तो उनके भोजन में कम से कम 5-6 घंटे का गैप रहे जिसके बीच में वो फलाहार कर सकते हैं। अगर हमारे कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बहुत रोग से ग्रस्त हैं, वो भी कुछ हद तक अपने लिए सक्षम होना शुरू हो जाएंगे भोजन के स्वरूप से। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपनी पिता के स्वास्थ्य के लिए कभी कभी गुड़ का दान करा करें, अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए कभी कभी चावलों का दान करा करें, अपने भाइयों के स्वास्थ्य के लिए कभी कभी बादाम का दान किया करें। घर में अगर इस तरीके का कोई रोग है, कोई रोगी घर में लंबे समय से पड़ा है, तो कोशिश करके उसके सिरहाने के पास में रात को सोते समय गड़वी में पानी रख दीजिए, सुबह वो पानी उठ के कीकर के पेड़ में या किसी ऐसी स्वच्छ जगह पे दूर जाके डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि रात को जो नेगेटिव ऑरा होती है उनकी बॉडी में, वो उस पानी के लोटे में धीरे धीरे कैद होनी शुरू हो जाती है, और वो हम जब घर से बाहर निकालते हैं तो ऑरा बहुत हद तक उन बीमार लोगों में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। कोशिश एक दूसरी करिए कि जिस कमरे में ना हवा आएगी ना लाइट होगी,
उस कमरे में स्वस्थ आदमी भी रहेगा तो रोगी हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे बुजुर्ग जो ज़्यादा बीमार हैं उनको हम किसी एक कोने में वहाँ पर डाल देते हैं जहाँ पर ना हवा का स्वरूप होता है ना लाइट का स्वरूप होता है। बीमारी का एक जानकारी बीमारी के बारे में समझ लीजिए कि कभी भी आपका शरीर अपने रोग को खुद ठीक करने के लिए सक्षम है, आपने सिर्फ उसको इतनी खुराक इस तरीके से देनी है कि वो उस बीमारी से लड़ सके। और सबसे बड़ी खुराक है सनलाइट, और उसके बाद उससे बड़ी खुराक है ताज़ी हवा। तो जिन बुज़ुर्गों को दिक्कत लंबी है उनका बेड खिड़की की तरफ कर दीजिए, वो हरे हरे पत्तों को देखते रहें, नहीं है तो लाइट को देखते रहें, और उनके कमरे में जो ताज़ी हवा और नेचुरल लाइट का स्वरूप बहुत रहे, उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी, स्वस्थ सुखी संसार के लिए क्या कुछ विशेष किया जा सकता है कार्यक्रम के अंत में उपाय स्वरूप जरूर बताएं। देखिए, कोशिश ये करा करिए कि सुबह जब माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं अपने पूरे परिवार के लिए, तो उस परिवार के खाने में से कुछ हिस्सा निकाल लीजिए। अभी नहीं दे सकते तो बाद में दे दीजिए, मगर स्वच्छ हिस्सा कम से कम हफ्ते में दो बार या हफ्ते के सातों दिन एक बार ज़रूर निकालिए। इसके तीन हिस्से बनाइए, एक हिस्सा गाय को दीजिए। गाय को देने से घर के अंदर की जो समृद्धि है, घर के अंदर जो आसपास जो आपस आप घर के अंदर लोगों का जो आपस में समन्वय और प्यार है, जो इज्जत है, वो हमेशा बनी रहेगी जी। दूसरा स्वरूप कौए के लिए निकालिए। कौआ जो है वो इस तरीके का स्वरूप है कि आपके घर में जो रोग आएंगे वो हमेशा कम आएंगे। और तीसरी चीज़ कुत्ते के लिए वो निकालिए, उसके तीसरा हिस्सा कुत्ते के लिए निकालिए। कुत्ता को देने से क्या रहेगा, कुत्ता जो दरवेशी हमारे घर के नहीं, बहुत से लोगों ने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, वो नहीं, वो जो बाहर स्ट्रीट डॉग जिसे स्ट्रीट डॉग्स आप कहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिनको खाना नहीं मिल पाता है उनको दीजिए, उनसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी, अड़चने बहुत कम आएंगी। जी गीतांशु जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन जैसा कि लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमें दें इजाज़त, अगले बुधवार हम फिर हाजिर होंगे वैदिक ज्योतिष जुड़ा अद्भुत ज्ञान लेकर। आज दें इजाज़त, नमस्कार।